ये हमारे सदर थाना में इन्फॉर्मेशन प्राप्त हुई थी कि दो व्यक्ति जो करण और हरमनप्रीत है उनके द्वारा सदर थाना से डुप्लीकेट पासपोर्ट बनाए गए हैं। एक व्यक्ति रवि कुमार है जिसको जम्मू कश्मीर पुलिस द्वारा अरेस्ट किया गया था, उसने इन्फॉर्मेशन दी थी कि करण नाम से उसका यहाँ पासपोर्ट बना हुआ है, जिसकी तस्दीक यहाँ की गई तो वो झूठा बना पाया गया। जिस संबंध में एक एक जो है तस्दीककर्ता सतनाम को अरेस्ट किया गया था, जो उसी दौरान एक व्यक्ति मुनीष कुमार जो त्यागराज ने बनाया उसको भी अरेस्ट किया गया है, जिसने अपने इंसाफ में बताया था कि एक और पासपोर्ट हरमनप्रीत नाम व्यक्ति का उसने डुप्लीकेट यहाँ से बनवाया है, जिस पर मुनीष को अरेस्ट कर लिया गया था। और इसके साथ साथ उसके जो अन्य साथी हैं जो इसमें डॉक्यूमेंट्स वगैरह बनाए हैं उनमें भी कुछ चार छः टोटल छः आदमियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। और एक हरमनप्रीत का एक वो जो मुनीष है उसने आगे तिलक नाम व्यक्ति है जो चंडीगढ़ पासपोर्ट ने था उसको उससे उसको 80,000 रुपये दिए ताकि उसकी मैट्रिक की सर्टिफिकेट वगैरह या डॉक्यूमेंट्स बनवा सके। तो इसमें एक बलबीर और एक बलविंदर और एक एक रजिंदर है जिनको गिरफ्तार किया जा चुका है। तो पंजाब से छपती थी जो डीएमसी फर्जी? हाँ, ये जो मोहाली में है ये जो है एक लड़का है जो रजिंदर है वो बनाता था इसको, और ये सारे जो उसके अन्य साथी हैं जो मैंने बताया भी वो उसमें शामिल हैं। जिस तरह से रवि उर्फ करण जो गिरफ्तार किया गया था, ये जैश मोहम्मद जो है आतंकी संगठन है उनका ये हैंडलर बताया जा रहा है? ये अभी है ना, ये जांच चल रही है, लेकिन ये हमारा अभी तक तो ये उसको अरेस्ट किया जा चुका है। रवि का यहाँ से करण नाम से बना है, कोई संबंध मिले हैं आतंकियों से? अभी उसकी जांच चल रही है हमारे, प्रोडक्शन वारंट पे ले जाएगा उसको, अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है, इसमें नियम अनुसार कार्रवाई की जाएगी। जिस तरह से रिमांड के दौरान जो बलबीर है और राजेंद्र है इन्होंने बताया कि ये पंजाब बोर्ड की जो प्रिंटिंग प्रेस पे काम करते हैं वहीं से ये डीएमसी वगैरह छापते हैं, इस तरह की बात भी सामने आई है? ये अभी तो इन्वेस्टिगेशन जारी है, अभी तो जो ये लड़का जो राजेंद्र सिंह पकड़ा है इसके द्वारा बनाई जानी पाई गई है, उसके उसके जो ऑफिस है उससे कंप्यूटर जो इत्यादि वो सामान बरामद किया जा रहा है। तो खुद ही तैयार करते थे डीएमसी? हाँ, ये खुद ही तैयार करते थे। तो अब तक कितने पासपोर्ट फतेहाबाद के अंदर बन चुके हैं फर्जी जी? ये अभी तो डिस्ट्रिक्ट फतेहाबाद सदर जो सदर फतेहाबाद है इस थाना में अभी 2 पाए गए हैं, वो उनकी जांच चल रही है, बाकी टीमें बनाई गई हमारी एसपी साहब द्वारा जो भी पासपोर्ट इस अवधि के दौरान बनाए गए हैं उनकी सबकी जांच जारी है। तो अब तक कितने लोग गिरफ्तार हो चुके हैं इसमें? टोटल अभी इसमें 6 अरेस्ट हो चुके हैं, और जो इसमें मेन अभी है इसका जो माइंड है जिसका वो मनदीप है वो उसको साजिशकर्ता मेन है, वो अभी उसकी गिरफ्तारी के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। उसका क्या रोल था सर? उसने इनको इंट्रोड्यूस किया था, उसने ही आगे जाके बातें की थी, उसने ही जो ये थे भेजा था जो तस्दीक करता उनको भी। तो पिछले जो रिकॉर्ड में जिस तरह से जो पासपोर्ट बने हैं उसी अवधि के दौरान उसकी भी जांच की जाएगी? हाँ, अभी जो पीछे जो हमारे बनाए गए हैं उसके लिए एसपी साहब ने टीमें बनाई हैं, और एक थाना वाइज जो उस पिछले जो है पासपोर्ट बनाए उनकी तस्दीक की जा रही है। अब नए सिरे से किस तरह से फिजिकल वेरिफिकेशन की जाएगी? अभी हमारे एसपी साहब द्वारा भी जांच की हुई, ये इसकी गहनता से जांच की जाए, गांव में जाया जाए और पंचायत व जो हमारी एमसी हैं या पुराने जो है मोदी आदमी उनको इसमें ज्यादा से ज्यादा शामिल किया जाए। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।